हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जो कि मास्टर डिग्री इन साइंस और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटेंट एग्जामिनर जॉब के बारे में कि उस जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उस जॉब का प्रोफाइल क्या होता है और कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लगातार अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेटेंट एग्जामिनर जॉब जो है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो इसमें जो जॉब प्रोफाइल होता है उसमें जो इंडिया में पेटेंट के लिए जितनी भी एप्लीकेशन आती है उसको एग्जामिन करने का जो काम होता है वो होता है पेटेंट एग्जामिनर का। तो पेटेंट एग्जामिनर का जो काम होता है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक वर्क होता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी के हर डोमेन से एक्सपर्टाइज जो कैंडिडेट होते हैं वो हर साल DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। पेटेंट एग्जामिनर की जो जॉब होती है एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप अगर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जिसमें आपने मास्टर डिग्री ली है या फिर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो DIPP जो है वो हर साल इसके लिए नोटिफिकेशन निकालता है। तो आपको अगर क्या करना है कि जब आप अपनी डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, आपको DIPP की वेबसाइट पर लगातार देखते रहना है कि पेटेंट एग्जामिनर जॉब के लिए नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, या फिर आपको पहले से ही जो अपनी सब्जेक्ट है उस पर कमांड इतनी अच्छी रखनी है कि जब उसका नोटिफिकेशन आता है आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर ही चुके हैं कि मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो एज लिमिट होती है वो 21 से 35 ईयर्स होती है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहता है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल एक ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और बहुत ही शानदार पे स्केल इसमें होती है, जो कि जो रेंज होती है वो 56,000 से लेके 1,77,000 की जो रेंज है उसमें जो एप्लीकेबल HRA और सब कुछ करके, मतलब बहुत ही अच्छी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें लगभग 1,00,000 से भी ऊपर की सैलरी आपको मिल जाती। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, जैसे बायोकेमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री में है तो मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए। ऐसे ही पॉलीमर साइंस में भी वैकेंसी रहती है तो उसके लिए मास्टर डिग्री इन पॉलीमर साइंस और बैचलर डिग्री इन पॉलीमर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इस तरीके से जो अलग अलग डोमेन्स होते हैं उसमें उनकी एक्सपर्टाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है। ये आप जो DIPP की वेबसाइट पर जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेन चीज़ होती है कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी ये रेप्यूटेड जॉब है और नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहती है और जो एप्लीकेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एग्ज़ाम दो फेज में होता है, एक होता है प्री एग्ज़ाम और सेकेंड होता है मेन एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम जो होता है, अगर हम लास्ट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो प्री एग्ज़ाम होता है वो एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि जो 150 मार्क्स का एक 2 घंटे का पेपर होता है। और उसके बाद जो फेज़ टू होता है इसका, जिसमें मेन एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो होता है वो एक मेन एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, एक होगा स्कोरिंग पेपर और एक होगा क्वालिफाइंग पेपर। तो जो पेपर टू होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसको क्लियर करेंगे जो कैंडिडेट उन्हीं का पेपर वन चेक होगा। तो इसमें फेज़ वन जो होता है वो तो स्क्रीनिंग है, यानी कि जो कैंडिडेट उसको क्लियर कर पाए उन्हीं को फेज़ टू में आने का मौका मिलेगा। और फेज़ टू में भी 2 पेपर होंगे, जिसमें आप फेज़ जो पेपर टू है उसको अगर आप क्लियर करते हो तो आपका पेपर वन में स्कोरिंग जो होगी वो चेक की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप इसके नोटिफिकेशन जब आता है तो इस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे